इलाकों में वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो वाहन चोरों को सीतामढ़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने लगभग 16 दुपहिया वाहन जब्त किए हैं। पकड़ा गया एक आरोपी सेवनी निवासी पुनीत देवश्याम गायकवाड़ और दूसरा जरीपटका निवासी श्याम हरीन खेड़े बताया जा रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले दो वाहन चोरों को सीतामढ़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 16 दुपहिया वाहन जब्त किए। आरोपियों में बरघाट सिवनी निवासी पुनीत देवश्याम गायकवाड़ और समतानगर जरीपटका निवासी श्याम आकाश के ग्राम हरीन खेड़े का समावेश है। आपको बता दें कि 2 जुलाई को दिनेश नागपुरे नामक युवक ने अपनी गाड़ी केयर अस्पताल के सामने फ्लाईओवर के नीचे पार्क की थी। इसी दौरान बाइक चोरी हो गई। पहले भी वाहन चोरी की वारदातों से पुलिस परेशान थी। आखिरकार सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर आरोपियों को सुराग मिल गया। पुलिस ने पुनीत और श्याम को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि अब तक 16 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। बर्डी पोलीस स्टेशन च्या हद्दीमध्ये दर दिवसाआड़ एक टू व्हीलर चोरी होण्याच्या घटना घडत होत्या। मोठ्या प्रमाणात इथे बाजारपेठ असल्यामुळे येणाऱ्या लोकांची पार्किंग त्या ठिकाणी व्हायचं आणि तिथनं बऱ्याचदा टू व्हीलर चोरीला जायच्या। सदरबाबत आमचा तपास चालू होता आणि आमची डीबी टीमचे PSI मगर आणि त्यांची टीम हे त्याच्या बाबतीत तपास चालू होता त्यांचा। त्याच दरम्यान काही संशयित मोबाईल नंबर मिळाले असता त्याचा डम डाटा आणि इतर बाकी टेक्निकल माहिती काढून त्यांनी अत्यंत उत्कृष्ट कामगिरी केलेली आहे। याच्यामध्ये डम डाटामध्ये आणि मोबाईल टेक्निकल सर्व्हेलन्समध्ये एक मध्य प्रदेशचा एक नंबर आम्हाला ट्रेस झाला। त्यावरून सदर इस्माला आम्ही ट्रेस केलं। सदर इसम हा शिवनी मध्य प्रदेश या ठिकाणी त्याचं लोकेशन असल्याचं समजून आलं। त्याप्रमाणे आमच्या टीमनी त्या ठिकाणी जाऊन मध्य प्रदेश शिवनी येथून आरोपी पुनीत गायकवाड यास अटक केली। त्याचप्रमाणे नागपूर शहरातून श्याम हरिनखेडे नावाचा जो त्याचा जोडीदार होता यालाही अटक केली। या दोघांच्याकडे कसून चौकशी केली आणि त्या दरम्यान त्यांच्याकडनं चौकशी दरम्यान एकूण 16 टू व्हीलर्स किंमत अंदाजे 4,60,000 रुपये असे आम्ही जप्त केलेले आहेत। सदर जप्त गाड्यांची तपासणी चौकशी केली असता तर त्यातल्या सर्व गाड्या या नागपूर शहरातून चोरी केलेल्या होत्या। अशा प्रकारे एकूण 16 टू व्हीलर्स जप्त करण्यात आलेले आहेत। गौरतलब रहे कि विजय के मिलने पर भी और वारदातों का खुलासा हो सकता है। पुनीत वाहन चोरी करने में माहिर बताया जाता है। वह चोरी के वाहन मध्य प्रदेश में बेचने की तैयारी में था। DCP संदीप पखाले और ACP नीलेश पालवे के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर अतुल सबनीस, अमोल काचोरे, API संतोष कदम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।